कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत की गिनती दुनिया के सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इस पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। कहने का मतलब है कि माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से 2 मीटर ऊंचा है। हालांकि इसके बावजूद भी हैरानी की बात यह है कि माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक बार चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब भी कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत आज भी अजेय है और शायद अजय ही रहेगा। पर एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि साल 1927 में एक यात्री ने सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी। इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है। इस पर्वत पर सिर्फ दिव्य आत्मा ही चढ़ाई कर सकती है जिसने दुनिया में कभी पाप न किया हो। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर रेडियो एक्टिवता बहुत तीव्र है, जिस वजह से इस पर चढ़ने वाले को दिशा भ्रम होने लगता है और लोग रास्ता भटक कर अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, इस पर्वत में 100 से अधिक छोटे छोटे पिरामिड होने की भी बात कही जाती है और इन पिरामिडों के आपस में जोड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। दोस्तों, शायद ही आपको ये पता हो कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी है। इसकी चारों दिशाओं से 4 नदियां निकलती हैं जो इस पर्वत को 4 भागों में डिवाइड करती हैं, जो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और कर्णाली है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत की चारों दिशाओं में 4 अलग अलग प्राणियों के मुख स्थापित हैं, जिनसे यह नदियां निकलती हैं। पूर्व में अश्वमुख यानी घोड़े का मुख, पश्चिम में गजमुख यानी हाथी का मुख, उत्तर में सिंहमुख यानी शेर का मुख और दक्षिण में मयूर मुख यानी मोर का मुख है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें भी मौजूद है। इसमें जो पहली झील है वह मानसरोवर झील है और दूसरी राक्षसताल झील है। मानसरोवर झील को लेकर कहा जाता है कि यह झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर है और इसका आकार सूर्य के समान है। कहते हैं इस झील में सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में खुद भगवान शिव स्नान करने के लिए आते हैं। इस झील में जो व्यक्ति एक बार स्नान कर लेता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मानसरोवर झील में ही कल्प वृक्ष मौजूद है जो लोगों की हर इच्छा को पूरी करता है। इसे मनोकामना वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष पर लगा फल दीर्घायु देता है, लेकिन इस झील या इस वृक्ष तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, मानसरोवर के विपरीत दिशा में राक्षसताल झील है। राक्षसताल के बारे में कहा जाता है कि इस झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ा। दोस्तों, राक्षसताल झील दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील भी कही जाती है। इस झील की लंबाई 225 मीटर है और इस झील का आकार चंद्रमा के समान है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर स्थित ये दोनों झील एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद भी इनके गुणों में इतना ज्यादा अंतर है जो कि लोगों को हैरान कर देता है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है। साथ ही इन झीलों का आकार इतना विचित्र है कि समझ ही नहीं आता इनका ये आकार प्राकृतिक रूप से ऐसा था या इनका निर्माण इस तरह से किया गया था, यह भी एक रहस्य है। दोस्तों, इन सब के अलावा कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है कि इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। नासा ने भी इस बात को माना है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के कारण ऐसा होता हो। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनती हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन विज्ञान से पलट भोलेनाथ के भक्त इसे उनकी महिमा मानते हैं। कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोगों ने दावा किया है कि यहाँ उन्हें निरंतर एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज बर्फ के पिघलने की हो, लेकिन इसका स्पष्ट प्रमाण उनके पास नहीं है। दोस्तों, यही कारण है जिस वजह से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमयी कहा जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का गढ़ माना जाता है। कहते हैं कि पर्वत पर शिव और पार्वती विराजते हैं, मगर इस रहस्यमयी पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों की किताबों में ही नहीं, इन चारों धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की महिमा जानते हैं। दोस्तों, ये पर्वत सदियों से अनेक ऋषि मुनियों की तप भूमि भी रहा है। दोस्तों, अक्सर तस्वीर वगैरह में कैलाश पर्वत को सफेद रंग का दिखाया जाता है। दरअसल इस पर्वत का ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है,
जिस वजह से यह सफेद रंग का दिखाई देता है। कैलाश पर्वत को इस संसार का मध्यम भाग भी कहा जाता है। कहते हैं कैलाश पर्वत का आकार कंपास के चार गर्त बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास की चारों दिशाओं की ओर है। किंतु रोचक बात यह है कि इसका आकार तो कंपास की तरह है, पर यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास ठीक से काम नहीं करते। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की ऊपरी चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। मान्यताएं ये भी हैं कि इस पर्वत पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थित है। कैलाश और भगवान शिव की स्थिति पर अनेक काव्य रचे गए हैं, जिसमें माघ रचित शिशुपाल वधम काव्य प्रमुख है। कैलाश पर्वत के रहस्यों को लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है। कैलाश पर्वत की यात्रा पर गए लोगों का कहना है कि यहाँ समय तेजी के साथ आगे बढ़ता है। इस पर्वत पर शोध करने गए वैज्ञानिकों के मुताबिक जब वो यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे तो उस वक्त उनके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस पर्वत पर ही मानव रहा करते हैं, जो चढ़ाई करने वाले लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं। यही वजह है कि आज तक कोई भी इस पर्वत पर सफल चढ़ाई नहीं कर सका। कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है मानो महादेव खुद बर्फ के रूप में यहाँ विराजमान है। भगवान शिव से जुड़ी मान्यताओं के कारण यहाँ लाखों की संख्या में लोग कैलाश की परिक्रमा के लिए आते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा यमराज नामक चोटी से प्रारंभ की जाती है और वापसी इसी जगह पर आने पर एक परिक्रमा पूर्ण होती है। इस स्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया क्योंकि लोगों का मानना है कि इस जगह पर यमराज रहते थे और कुछ लोग तो आज भी यहाँ पर यमराज के होने का दावा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश की एक परिक्रमा में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस दौरान 3 से 4 दिन का समय भी लगता है। पर कहते हैं कि अगर कोई इंसान इस पर्वत की 12 परिक्रमा लगा ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। कैलाश पर्वत के चारों ओर अनेक शक्तियां विद्यमान है। कैलाश पर्वत की इन अद्भुत शक्तियों के कारण ही कोई यात्री आज तक इस पर्वत पर सफल चढ़ाई नहीं कर पाया और बहुतों ने अपनी जान भी गंवा दी है। इसलिए चीन की सरकार ने साल 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद इस पर्वत की चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया और आज इसकी चढ़ाई करना गैर कानूनी है। दोस्तों, कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें ये भी पता चला है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। दरअसल पृथ्वी की एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और दोनों के बीच में हिमालय है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। अतः वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की पेशकश? अगर आपको मौका मिले तो आप क्या कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।